हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉइल प्लेसमेंट सर्विस में। दोस्तों आज की वैकेंसी आपके लिए लेकर के आया हूं। इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसको रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। तो आज की वैकेंसी क्या रहने वाली है, किस लोकेशन में रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, पूरा हम डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में बेल आइकन को हिट करो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आते रहे और आप उसको क्लिक करके उसको व्यू भी कर सको। कई कैंडिडेट्स के मैसेजेस ऐसे भी आते हैं जो इस अलग डिफरेंट टाइप की जॉब्स के लिए होते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हमारे पास मल्टीपल वैकेंसी हम शेयर करते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यहां पर इस प्लेटफॉर्म में मॉडल प्लेसमेंट सर्विस में आपको जो भी जॉब प्रोवाइड होती है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और जेन्युइन होती है। हमारा काम वीडियो बना के अपलोड करने का नहीं है। आप देखते होंगे इस वीडियो में ना कोई एडिटिंग होती है ना कुछ होता है। इस वीडियो को बनाने का मतलब केवल यह है कि हमें वो रिलेवेंट कैंडिडेट, वो अच्छे कैंडिडेट मिले जिनको एक्चुअल में जॉब की नीड है और जो इंटरव्यू के लिए जाए, वो भी प्रिपरेशन करके। हमें फालतू के कैंडिडेट नहीं चाहिए जिनका इंटरव्यू शेड्यूल करवाओ और वो इंटरव्यू के लिए जाते नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का बेसिकली मतलब यह है कि हमारे पास वो कैंडिडेट इनको देखे और वो कैंडिडेट अप्लाई करे। यहां पर कोई हम अट्रैक्टिव वीडियो नहीं बनाते जिसमें इमोजीज वगैरह लगा दिए और बिल्कुल एडिटिंग करके बिल्कुल डाल दिया, नहीं। जेन्युइन चैनल है, उतना टाइम देते हैं जितना यूट्यूब को देना चाहिए। तो दोस्तों उसको वीडियो शेयर करो जिसको जॉब की एक्चुअल में नीड है। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो लोकेशन रहने वाली है वो है गुरुग्राम। गुड़गांव की लोकेशन रहने वाली है और नियर बाय दिल्ली है, नियर बाय नोएडा है, नियर बाय गाजियाबाद है, नियर बाय फरीदाबाद है, मतलब इन मेरठ है। इन लोकेशन के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इस साइड में रिलोकेट कर सकते हैं या इस साइड रहते हैं या गुड़गांव में रहते हैं या गुड़गांव रिलोकेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंटरव्यू के लिए आपको गुड़गांव आना पड़ेगा। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल है अकाउंटेंट। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटेंट की हमें नीड है। सैलरी कंपनी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड कर रही है, 25,000 तक की सैलरी कंपनी यहां पे प्रोवाइड कर रही है। तो अकाउंटेंट को क्या क्या आना चाहिए? उसको आना चाहिए बेसिकली, सबसे बेसिक जो होता है उसको टैली आना चाहिए। उसके बाद जीएसटी, आईआईटी जीएसटी, टीडीएस वगैरह, टैक्सेस वगैरह उसको आनी चाहिए, बैंक रिकंसिलेशन। तो ये जो बेसिक सी चीजें हैं ये उसको कंप्लीटली आनी चाहिए। कंपनी मैं बता दूं, कंपनी है एक बहुत ही बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है एसी मार्केट में, जो एसी के सेगमेंट्स हैं उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, बहुत ही अच्छा इनका गुड़गांव में डिस्ट्रीब्यूटिंग का बिजनेस है। तो वहां पे हमें एक अकाउंटेंट की नीड है। अकाउंटेंट जो होगा उसकी सैलरी मैंने आपको बता दी अप टू 25 तक हो, मिनिमम उसको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस। लोकेशन बहुत ही पॉस रहने वाली है, नियर बाय बस स्टैंड, गुड़गांव का बस स्टैंड जो है उसके नियर बाय, बस अड्डा के नियर बाय ये सेक्टर 12 में ये वैकेंसी रहने वाली है। तो नियर बाय के कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर कोई रिलेवेंट इतनी दूर से अपने नियर बाय आना चाहता हो या सेक्टर 12 में रिलोकेट करना चाहता हो तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रह सकती है। एज की मैं क्राइटेरिया की बात करूं, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंट तो जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल कंपनी को रहता है। क्वालिफिकेशन की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, बस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस उसको मैंडेटरी है कि अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस हो। बात करते हैं यहाँ पे जॉब टाइमिंग की। दोस्तों संडे विल बी फिक्स्ड ऑफ, आपका संडे को कोई वर्क नहीं है, संडे यहाँ पर फिक्स्ड ऑफ है। मंडे टू सैटरडे आपका जो जॉब टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 9:30 टू 6 और 7 o'clock के अराउंड। तो जो ऑफिशियली टाइम है वही यहां पे आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं अप्लाई करना कैसे आपने इस पोजीशन के लिए। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। अगर आपको सब चीजें आती है, यू आर कंप्लीट अकाउंटेंट, तो ही इस पोजीशन पे अप्लाई करें। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीम के नंबर दिए हुए होंगे, उनको कॉल करना है, उनको बताना है कि आई वांट अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, मेरा ये रिज्यूम है। अगर वो कॉल नहीं पिक कर पाते हैं तो उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे रिज्यूम डाल दीजिए और जिस प्रोफाइल में आप सर्च कर रहे हो उसका मैसेज डाल दीजिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार कॉल्स पिक नहीं होती है
कई बार हमारे ऑफिशियल डेटा वगैरह भी रहते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स वगैरह हैं, उन पर भी कॉल करनी होती है, यूट्यूब से भी कई कॉल आती है। तो पेशेंस अपना बना के रखें, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का कॉल नहीं पिक होगा। हमारी आपसे कोई ऐसी पर्सनली तो है नहीं कि आप लोगों को वीडियो शेयर कर रहे हैं तो कॉल पिक करने के लिए ही कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस बनाने की जरूरत है। आप एक बार ही कॉल नहीं पिक कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। हो सकता है कि जो एचआर पर्सन है वो किसी अदर थिंग्स में बिजी हो, अदर वर्क में बिजी हो, उसके लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिए और वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वैकेंसी। अदर वैकेंसी का आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, वहां पे आपके लिए मल्टीपल वैकेंसीज एवरी डे ओपन रहती है। मिलता हूं दोस्तों आपसे फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।